वेलकम बैक ऑन माई चैनल, दिस इज प्रज्ञा। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग वेडिंग हैक्स जो कि सबको बहुत काम आएंगे, चाहे आप दुल्हन हो, चाहे आप दुल्हन के घर की कोई मेंबर हो। सो ये आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना क्योंकि वीडियो का जो एक एक जो हैक है ना, ये बहुत काम का है। और आई थिंक ये जो वेडिंग हैक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये हैक्स आपको यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना और बन जाना हमारी क्लैम हैक्स फैमिली का हिस्सा। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप बेल आइकन को हिट नहीं करोगे, आपको मेरी एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो ऐसी वीडियोज देखने के लिए बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। और नेक्स्ट जो वीडियो है ना मेरी, वो आने वाली है वापस से वेडिंग हैक्स, जो कि टीनेजर्स के लिए होगा, जो वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सारे हैक्स उनके बहुत काम के होने वाले हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। और मेरा एक और चैनल है जिसमें कि मैं आर्ट ट्यूटोरियल्स बताती हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो देख सकते हो। सो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हैक के लिए ना, हम डेकोरेट करेंगे आरती की थाली। उसके लिए हमें चाहिए फेविकोल। फेविकोल को आपको पूरी प्लेट में अच्छी तरीके से फैला लेना है। इसकी जगह पे आप प्लास्टिक का भी प्लेट यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ग्लिटर लेना है, कोई सा भी कलर ले लो और उसके ऊपर फैला दो। फिर उसको सूखने देना है। फिर आपको ग्लूगन लगाना है थाली के साइड साइड में और उसके ऊपर लगा लेनी है अपनी फेवरेट लेस। लेस आप चाहो तो थोड़ी और भी कलरफुल लगा सकते हो। और हमारी थाली हो गई तैयार। अगर आपको लगता है ना कि आपका दिया बुझने वाला है ना, तो आपको लेनी है एक BPA बॉटल, उसके ऊपर करना है आपको होल। ये होल थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, आपको अच्छे से होल करना है, उसके अंदर रख दो दिया और चाहो तो इसको लेस से डेकोरेट कर दो और हो गया आपका दिया सिक्योर। अब तो इसे कोई भी नहीं बुझा सकता। थर्ड हैक में हम बनाएंगे वेस्ट बैंड, जो कि अभी बहुत फैशन में है। तो आपको लेनी है कोई सी भी लेस और लेनी है ऐसी चौड़ी इलास्टिक और उसको आप चाहो तो इंस्टेंटली स्टेपलर से बना सकते हो। बट अगर आप सुई धागे से बना लो ना तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा दिन चलेगा। तो दोनों साइड से ऐसे सिल लो और हो गई हमारी वेस्ट बैंड तैयार। ऐसी थीम वाली ज्वेलरी ना अभी बहुत फैशन में है, तो ये मैंने ना पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ऐसा ब्यूटीफुल और इंस्टेंट पाउच बनाने के लिए ना, आपको ग्लिटर पेपर को एक साइड से पेस्ट कर लेना है ग्लूगन से। फिर आपको उसके हर कॉर्नर पे ना एक एक इंच के बराबर कट लगाना है और वो कट लगाने के बाद उसको आपस में पेस्ट करना है। सो पेस्ट करने से पहले आपको इनके जो कॉर्नर्स है ना, इनके दोनों साइड के स्पेशली, आपको उनको कट करना है ताकि ये पेस्ट भी इजीली हो जाए और दिखने में भी अच्छे लगे। तो इनके सारे कॉर्नर्स को कट कर लेना है और उसके बाद आपको इनका आमने सामने वाले कॉर्नर्स को चिपकाना है। तो ये जो छोटे वाले कॉर्नर्स है ना, इनको लास्ट में चिपकाना है आपको। और पेस्ट करने के बाद इसका जो अपर पोर्शन है, जहाँ से ये खुला हुआ है, वहाँ पे ग्लूगन लगाना है। फिर आपको लेस या स्टोन कुछ भी लगा लो और उसके बाद आपको करना है इसमें एक छोटा सा होल। छोटा सा होल करने के बाद आपको लेना है कोई सा भी रिबन या फिर यहाँ पे मैंने डोरी ली हुई है जो ब्लाउज में लगाते हैं, उसको डालना है अंदर के साइड से, बाहर निकालना है। फिर एक बड़ी नॉट लगानी है ताकि ये निकले ना। फिर दूसरे साइड भी एक होल करना है और इस तरीके से उसको निकाल के आपस में ऐसे फंसा ले। आप चाहो तो फोन रख लो और चाहो तो अपनी जरूरत की छोटी मोटी चीजें। हैक नंबर 5 में ना मैं आपको बताने वाली हूँ एक मास्क बनाना, जो कि बहुत ही इंस्टेंटली आप एक पार्टीवेयर मास्क बना सकते हो। तो उसके लिए आपको लेना है यही वाला ग्लिटर पेपर, फिर दो थ्रेड या फिर इलास्टिक लेनी है जिनके साइड में आपको नॉट लगा लेना है। उसके बाद आपको बनानी है दो प्लीट्स,
चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ बना लो तो ज़्यादा बेटर है। फिर आपको दोनों प्लेट्स के ऊपर ना एक एक स्टेपलर करना है, फिर आपको ये थ्रेड लेना है और उसको पीछे के साइड में रख करके दो स्टेपलर फिर से लगाना है। स्टेपलर आपको बहुत अच्छे से लगाना है क्योंकि आपके फेस में चुभ सकता है अगर आप अच्छे से नहीं काम करोगे तो। फिर आपको दोनों साइड में ये थ्रेड लगाने के बाद हो गया हमारा मास्क रेडी। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और आप चाहो ना तो इसको ऐसे फोल्ड करके कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, ये बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। हैक नंबर 6 में ना मैं आपको बताऊंगी कलीरे बनाना। अगर आपने कलीरे नहीं खरीदे हैं या पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो आपको लेना है ऐसा ग्लिटर पेपर और उसके बाद आपको ट्रायंगल ट्रायंगल कटिंग करने हैं, दो बड़े ट्रायंगल कटिंग करने हैं। और उसके बाद आपको उसमें लगाना है ग्लू गन और उसको पेस्ट कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको आपको कट करके हटा देना है, फिर आपको उसके ऊपर लेस लगा लेनी है। तो लेस आप चाहो ना तो अपने ड्रेस से मैच करता हुआ कोई सा भी लेस लगा सकते हो। ये सारे जब तैयार हो जाए ना तो आपको जो छोटा वाला पार्ट है उसको उठाना है, उसके कॉर्नर पर आपको ग्लू लगाना है और जो भी पोर्शन आप ऊपर रखना चाहते हो ना उसके ऊपर आपको इस तरीके से लगाना है। तो जैसे झुमकी होती है ना कान में, आपको कुछ उस टाइप से डिज़ाइन बना लेना है। आप जितनी बड़े चाहो उतने बड़े कलीरे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो फ्लोर बनाया है, नीचे वाला फ्लोर थोड़ा सा लंबा रखा है क्योंकि वो ऊपर वाले के अंदर जाएगा। तो इसके कॉर्नर पे मैं होल करूँगी, फिर उसके अंदर मैंने नॉट लगा के धागा डाल दिया है। अब इस धागे को मैं एक और नॉट लगाऊंगी ताकि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो ज़्यादा नीचे ना भागे, तो वो इस नॉट के सहारे रुक जाएगा। फिर आपको इस धागे को ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उसके अंदर ऐसे डालना है और हो गया हमारा कलीरा तैयार। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।